थाना जगदीशपुरा के आवास विकास कॉलोनी स्थित सेक्टर नंबर 6 आवास विकास कॉलोनी निवासी विनय गर्ग की सेक्टर नंबर 7 स्थित आशियाना बिल्डिंग में न्यू कनक ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। दुकान पर उनका बेटा प्रतीक गर्ग बैठता है। वहीं गुरुवार शाम को एक बदमाश ग्राहक बनकर न्यू कनक ज्वेलर्स की दुकान पर आया और जल्दी से अंगूठी दिखाने को कहा। प्रतीक ने जेवरात की फोटो की बुकलेट उसे दे दी। फोटो दिखने लगा तभी उसका एक और साथी आ गया। इस पर प्रतीक को शक हो गया। इसी बीच उनका तीसरा साथी और आ गया, उसने शटर गिरा दिया। इसके बाद पहले से बैठे एक बदमाश ने तमंचा तो दूसरे ने चाकू निकाल दिया। प्रतीक ने शोर मचाने पर बदमाश भागने में सफल रहे। क्या नाम है आपका? प्रतीक गर्ग। प्रतीक, क्या घटना घटी है? तीन बदमाशों ने मेरे संग लूट करने का प्रयास किया। पहले एक जना मेरी दुकान पर आया, आके बैठा, उसने मुझसे कहा अंगूठी दिखाओ। उसके पीछे पीछे दो बदमाश आके सीढ़ियों पर खड़े हो गए। वो आपस में बात करने लगे तो एक बदमाश मुझसे कहता है कि कुछ और सामान दिखा दो, कोई सी भी अंगूठी दिखा दो। मैं उससे कहता हूँ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उससे बुक में से फोटो दिखाई, मैंने कि ये बन सकती है, आपकी बनवाना चाहो तो, वरना सामान नहीं है। पापा एक घंटे में आएंगे, आप सामान देख लेना। जब दूसरा बदमाश अंदर आता है वो आके खड़ा हो गया, वो कहता है जल्दी करो मेरे लेट हो रहा है। तीसरा आता, तीसरे ने आके शटर डाली, दूसरे ने मेरे ऊपर पिस्टल रख दी। अब मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में पिस्टल उससे छीन के उनके ऊपर आता पाई हुई छीना झपटी हुई शटर मेरी दुकान में गिरा हुआ था। मैं कैसे भी करके बाहर निकला, अपनी जान बचाई, बाहर जाके मैंने पब्लिक इकट्ठी करी, बदमाश सब बंद है, एक भी हाथ में नहीं आया। पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपने? पुलिस को मैंने 5 मिनट बाद इन्फॉर्म किया। पुलिस पर बहुत जल्दी मौके पर आई, उनने आगे पूरी इंक्वायरी ली। कट्टा मैंने उन्हें दे दिया, कट्टा लोडेड था। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।